ज्वेलर की आंखों में स्प्रे डालकर लूट की कोशिश, वारदात का सीसीटीवी वीडियो हुआ वायरल। चोरी करने के इरादे से आए युवक को लोगों ने दबोच कर पुलिस के हवाले किया। ज्वेलर निखिल की रेलवे रोड पर एमबी ज्वेलर्स के नाम से सुनार की दुकान है। युवक उनकी दुकान पर शाम के समय आया और सोने की चेन दिखाने के लिए कहने लगा। युवक कुछ देर दुकान पर रखी अलग अलग डिजाइनों की चेन देखता रहा, फिर बिना खरीदारी करके चला गया। थोड़ी देर बाद फिर उनकी दुकान में आया, चेन पहले दिखाई गई थी, उन्हें दोबारा दिखाने को कहा। निखिल चेन दिखा रहा था, तभी इस बीच मौके का फायदा उठाते हुए युवक ने अपने बैग में से एक स्प्रे निकाला और उनकी आंखों पर मारने लगा। वहीं निखिल ने तत्परता दिखाते हुए उक्त युवक को पकड़ लिया। वहीं आनंद फानन में आसपास के दुकानदार भी इकट्ठा हो गए। मामले की सूचना पुलिस को दी गई, जिसके बाद युवक को पुलिस के हवाले कर दिया गया। निखिल भट्ट है। निखिल जी, दुकान का नाम क्या है? एनबी ज्वेलर्स जी। क्या वाक्य हुआ आज आपके साथ? मेरे पास एक कस्टमर आया, उसने कहा कि मुझे चेन वगैरह दिखाओ। मैंने उसको चेन वगैरह दिखाई, ठीक है, तो बातों में उसने क्या करा, जरा होल दिखाओ। मैंने होल दी, उसको डिजाइन दिखा दिए। डिजाइन दिखाने के बाद उसने क्या करा, जाते हुए एकदम से अपने बैग में से स्प्रे करा निकाला और सीधा मेरी आंखों में डाल दिया स्प्रे। वो तो मैंने साथ ही उसको पकड़ लिया, अगर ना पकड़ता तो मेरा इतना नुकसान हो जाता आज का। तो उस समय आपकी शॉप पे कोई और कस्टमर या कोई एम्प्लॉई था? जी, कोई भी नहीं था साथ में, एक दुकान पे लड़का रखा हुआ वो था। तो मतलब कि उसके बाद सबने मौका बचा, मौके पे हाँ जी सबने पकड़ लिया है। फिर पीसीआर को फोन करा, फिर पीसीआर आई, फिर ले गई। तो इस समय आपकी आईज वगैरह, जैसे आप बता रहे कि मिर्च वगैरह कुछ ऐसा? हाँ जी, आंखों में अभी तक रेड हो रखे, आप देख ही रहे हो, और सिर भी दर्द हो गया इतना, पता नहीं क्या चीज स्प्रे करी है। मुझे तो कुछ नहीं दिखा, मैंने तो उसे बस पकड़ के रखा था। तो अभी पूरी प्रशासन उनको अपने साथ ले गई है? हाँ जी। हम आज एक गश्त में थे तो एक सूचना मिली थी फोन के द्वारा कि एनबी ज्वेलर्स के पास उसकी दुकान में एक नौजवान लड़का घुस गया और उसने कुछ घटाना उसने किया, कि कुछ स्प्रे पाउडर उनकी आंखों में मारा और वहाँ से कुछ लूटने की कोशिश की। तो मौके पर स्थानीय लोगों की सहायता से शोर मचने पर उन्होंने पकड़ लिया, दबोच लिया। तब मैं भी तुरंत वहाँ पर पहुँचा, तो पहुँचने पर उस लड़के को अपनी कस्टडी में ले लिया, पूछताछ जारी है। आगे कार्रवाई जैसी होगी वैसी ही मुनासिब कार्रवाई करेंगे। इसमें जो पीड़ित पक्ष है, जो लड़का है, उसका मेडिकल एसडीएस कॉलेज से करवाया जा रहा है, उसके बाद अगली कार्रवाई लगातार चल रही है। ताज़ा अपडेट्स व बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें आज प्रकाश टीवी और बेल आइकन दबाना ना भूलें।